आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर नंबर 1 यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 7 कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं। तो कुछ बातें आप लोगों को याद रखने हैं। जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर एक्स एंड वाई आर रियल्स एंड आई इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन। जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई को हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं जहाँ एक्स तथा वाई वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर है, और आई का जो वैल्यू होता है वो होता है अंडर रूट माइनस वन। तो आई का वैल्यू क्या बताया, अंडर रूट माइनस वन। आई स्क्वायर होता है माइनस वन, आई क्यूब होता है माइनस आई, आई की पावर फोर होता है वन, वन अपान आई का वैल्यू होता है माइनस आई। ये सब याद रखिए। तो जेड क्या हमने बताया, एक्स प्लस आई वाई। तो जेड बार, जेड बार मतलब इसका कॉन्जुगेट संयुग्मी। जेड बार को हम बोलते हैं जेड का संयुग्मी, कॉन्जुगेट ऑफ जेड। तो जेड का जो जेड बार है ये होता है एक्स माइनस आई वाई, यहाँ प्लस आई है यहाँ माइनस आई। तो जेड, ये जेड का वैल्यू है जेड बार का। अगर इन दोनों को हम प्लस करें जेड और जेड बार को तो टू एक्स आएगा, अगर जेड और जेड बार को माइनस करें तो आएगा टू आई वाई। तो एक्स का वैल्यू होता है जेड प्लस जेड बार बाई टू और वाई का वैल्यू होता है जेड माइनस जेड बार अपान टू आई। अब एक्स और वाई क्या है ये आप जानिए। जेड को तो हमने इस फॉर्म में लिखा है, एक्स को हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड का वास्तविक भाग, और वाई को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, मतलब जेड का अधिकल्पित भाग, काल्पनिक भाग। तो एक्स इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ जेड एंड वाई इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो रियल पार्ट ऑफ जेड को हम कैसे डिनोट करेंगे, आर जेड, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को हम डिनोट करेंगे आई जेड। तो जेड इज कॉल्ड टू एक्स प्लस आई वाई आप लिखते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो जेड के वैल्यू रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस आई इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। कुछ बातें और आपको बताते हैं। तो रियल पार्ट ऑफ जेड का क्या फार्मूला होगा, वन बाई टू जेड प्लस जेड बार, या आप बोल सकते हो जेड प्लस जेड बार होता है टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड। वैसे ही इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इसको आई जेड भी लिखते हैं और आई एम जेड, आई जेड या आई एम जेड दोनों ही कहलाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। और रियल पार्ट ऑफ जेड को आर जेड भी लिखते हैं और आर ई जेड दोनों लिखते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड की वैल्यू क्या होता है, वन अपॉन टू आई जेड माइनस जेड बार, या आप बोल सकते हो जेड माइनस जेड बार होता है टू आई इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो मैंने अभी आपको बताया आर जेड लिखो या आर ई जेड लिखो, ये कहलाता है रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड का वास्तविक भाग। और आई जेड लिखो या आई एम जेड लिखो, ये दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, ये कहलाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, जेड का अधिकल्पित भाग या जेड का काल्पनिक भाग। तो याद रखिए जेड हम एक्स प्लस आई वाई लेते हैं, जेड बार लेते हैं एक्स माइनस आई वाई, अगर हम मॉड ऑफ जेड निकालें तो ये होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर जेड बार का मॉड निकालें तो ये होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर, दैट मीन्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप देख रहे हो मॉड ऑफ जेड और मॉड ऑफ जेड बार दोनों इक्वल होता है, दोनों बराबर होते हैं। तो मॉड ऑफ जेड लिखो या मॉड ऑफ जेड बार दोनों की वैल्यू इक्वल होता है, बराबर होता है। जेड को हम लिखते हैं एक्स प्लस आई वाई, तो इसका जो आर्गुमेंट होता है जेड का ये कहलाता है टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, आर्गुमेंट मीन्स कोणांक, और मॉड मतलब होता है मापांक, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस मापांक, और इसको हम बोलते हैं कोणांक, इंग्लिश में आर्गुमेंट भी बोलते हैं एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। आर्गुमेंट जेड लिखो तो भी चलेगा या एम्पलीट्यूड जेड लिखो तो भी चलेगा, इसका फार्मूला होता है टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो आर्गुमेंट को क्या बोलते हैं, कोणांक, जेड का कोणांक। आर्गुमेंट ना लिख के इसको एम्पलीट्यूड, आई एम पी, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी पढ़ते हैं। रियल पार्ट ऑफ जेड और मॉड ऑफ जेड में मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन होता है या इक्वल टू होता है किससे, रियल पार्ट ऑफ जेड से, मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन आर इक्वल टू होता है मॉड ऑफ जेड से। आगे कुछ बातें और जानते हैं। जेड होता है एक्स प्लस आई वाई, जेड बार होता है एक्स माइनस आई वाई, मॉड ऑफ जेड होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर हम जेड और जेड बार का इंटू करें तो भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है। तो एक बात याद रखो जेड इंटू जेड बार यह इक्वल होता है मॉड ऑफ जेड के स्क्वायर के, ये बात आपको याद रखना है, जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, यह सर्कल का इक्वेशन है, वृत्त का समीकरण है जिसका रेडियस वन है, तो इसको हम बोलते हैं इकाई वृत्त, इंग्लिश में यूनिट सर्किल।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर होगा। तो मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू वन। तो मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू वन और ये दोनों सेम है, तो मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू वन इज कॉल्ड अ यूनिट सर्किल। मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू वन को इकाई वृत्त कहते हैं। हम लिखते हैं जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अगर मैं एक्स की वैल्यू लेता हूँ आर कॉस थीटा, वाई की वैल्यू रखता हूँ आर साइन थीटा, तो जेड इक्वल टू क्या आएगा, आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। दोनों में आर कॉमन है। अब कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम बोलते हैं ई टू द पावर आई थीटा। तो जेड का वैल्यू होता है आर ई टू द पावर आई थीटा। तो ये भी याद रखो, जेड को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, जेड इज इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जेड इज इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। यहाँ पे आर होता है मॉड ऑफ जेड मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से निकल जाएगा। तो आर का वैल्यू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा का वैल्यू होता है आर्गुमेंट जेड बोलते हैं, थीटा को बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसका वैल्यू होता है टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ये भी याद रखो, आर को हम मॉड ऑफ जेड बोलते हैं मॉडुलस ऑफ जेड, जेड का मापांक, और थीटा जो होता है वो आर्गुमेंट ऑफ जेड, जेड का कोणांक। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन एज, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, जेड इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा। ये कुछ जानकारी है, आप याद रखिए इस चैप्टर से रिलेटेड। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 113। प्रूव दैट मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू, जेड वन प्लस जेड टू का जो मॉड है वह लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड टू। तो हम स्टार्ट करते हैं मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं जेड वन प्लस जेड टू, जेड वन प्लस जेड टू का होल बार। ये कैसे आया, ये फार्मूला आप याद रखिए, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर होता है जेड इंटू जेड बार, इसको जेड है सोच लीजिए पूरे को, तो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर क्या होता है जेड इंटू जेड बार, ये पूरा हमारा जेड है, ये जेड आया और इसका बार आ गया। इसको हम ऐसे लिखेंगे जेड वन का बार प्लस जेड टू का बार। अब इसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, इसका मल्टीप्लाई भी दोनों के साथ होगा, तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ जेड वन का स्क्वायर। इस फार्मूला को देखिए, ये बन जाएगा मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर, ये बन जाएगा मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर। अब इसको हमने ऐसे लिखा, देखो यहाँ जेड वन में बार लगा है, जेड टू में बार नहीं लगा है, तो हमने क्या लिखा जेड वन जेड टू का बार का होल बार, क्योंकि जेड में अगर जेड का में अगर बार लगाए फिर से बार लगाए तो जेड बन जाता है। तो क्या हो जाएगा, जेड टू में बार का बार लगाए तो जेड टू बन जाएगा, अभी जेड वन में बार आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखे हैं, ऐसे क्यों लिखे, एक फार्मूला है जेड प्लस जेड बार होता है टू रियल पार्ट ऑफ जेड। तो ये हमारा जेड है सोचो, ये इसका बार है, जेड का बार, ये पूरा जेड है अभी जेड का बार है, तो जेड प्लस जेड बार क्या होता है टू रियल पार्ट ऑफ जेड। तो ये जाएगा टू रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू का बार। अब रियल पार्ट ऑफ जेड और मॉड ऑफ जेड में कौन बड़ा है, मॉड ऑफ जेड बड़ा होता है, तो ये रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू का बार है, यह लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ जेड वन जेड टू का बार। तो रियल पार्ट ऑफ जेड की जगह हमने लगा दिया मॉड, ये मॉड लगा दिए, ठीक है, यहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन आ गया। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ जेड या लेस देन होता है मॉड ऑफ जेड से, तो रियल पार्ट ऑफ जेड है सोचो, तो क्या आ जाएगा मॉड ऑफ जेड वन जेड टू का बार, लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा। अब यहाँ मॉड को अलग अलग कर दी, तो मॉड ऑफ जेड वन मॉड ऑफ जेड टू का बार, तो मॉड ऑफ जेड बार और मॉड ऑफ जेड इक्वल होता है, तो मॉड ऑफ जेड टू का बार को मॉड ऑफ जेड टू लिखोगे, इस प्रकार से लिख दोगे। तो ये राइट साइड वाला एक फार्मूला बनेगा, क्या फार्मूला बनेगा, मॉड ऑफ जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड टू का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप लिखोगे जी, मॉड ऑफ जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड टू का होल स्क्वायर। अब बहुत साइड से स्क्वायर को हटा दीजिए, यह आ जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, सॉरी ये स्क्वायर हट जाएगा। तो इस प्रकार से मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू लेस देन इक्वल टू आएगा मॉड ऑफ जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड टू। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 114। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू या ग्रेटर देन आर इक्वल टू है मॉड ऑफ जेड वन माइनस मॉड ऑफ जेड टू। तो हम निकालते हैं मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो जेड वन माइनस जेड टू और जेड वन माइनस जेड टू का होल बार। ये कैसे आया, यहाँ से यहाँ कैसे आया, ये फार्मूला आप देखिए, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर होता है जेड इंटू जेड बार, ये पूरा जेड है सोच लीजिए, तो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर इसका होल स्क्वायर क्या होता है जेड इंटू जेड बार, ये पूरा टर्म आएगा और इसका बार आएगा। अब ये बार दोनों में लगेगा, अब जेड वन का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, जेड टू मल्टीप्लाई भी दोनों के साथ होगा, ये बन जाएगा मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर। इस फार्मूला से ये बन जाएगा मॉड ऑफ जेड टू का स्क्वायर, इन दोनों में माइनस कॉमन निकाल दिए। अब इसको हमने ऐसे लिखा, देखो यहाँ पे जेड वन में बार है, जेड टू में बार नहीं लगा है, हमने जेड टू में बार लगा दिया, जेड वन का बार हटा दिया और होल बार लगा दिया। तो होल बार जब ओपन करेंगे तो ये जेड वन में बार आ जाएगा और जेड टू में बार का बार फिर से जेड टू आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, अब
यहाँ से यहाँ एक फार्मूला मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आया। देखिए मैंने आपको बताया था जेड प्लस जेड बार होता है टू रियल पार्ट ऑफ जेड। जेड प्लस जेड बार क्या होता है? टू रियल पार्ट ऑफ जेड। तो ये जेड है सोचो आप, तो ये जेड का बार हुआ तो क्या होगा? टू रियल पार्ट ऑफ जेड, ये पूरा जेड आ जाएगा, मतलब जेड वन जेड टू का बार। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, रियल पार्ट ऑफ जेड या लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ जेड से। तो रियल पार्ट की जगह मॉड लग गया, तो मॉड लगा था लेस देन, ग्रेटर देन साइन क्यों आया? क्योंकि माइनस साइन लगा है। अगर माइनस के इंटू करें रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस के इंटू करें तो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ जेड हो जाए, सामने माइनस साइन है तो माइनस साइन इसी का ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। रियल पार्ट ऑफ जेड मॉड ऑफ जेड से छोटा होता है, लेकिन माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड या ग्रेटर देन होगा माइनस मॉड ऑफ जेड से। अब यहाँ मॉड को अलग अलग कर दीजिए, तो मॉड ऑफ जेड टू का बार ये बन जाएगा मॉड ऑफ जेड टू। ये फार्मूला आएगा मॉड ऑफ जेड वन माइनस मॉड ऑफ जेड टू को होल स्क्वायर का, बहुत साइड से स्क्वायर को हटा दीजिए, ये आपका प्रूफ हो जाएगा जो प्रूफ करना था। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 115। प्रूफ दैट आर्गुमेंट जेड वन इंटू जेड टू, यह इक्वल होता है आर्गुमेंट जेड वन प्लस आर्गुमेंट जेड टू। हमने मान लिया जेड वन इक्वल टू आर वन ई की पावर आई थीटा वन और जेड टू मान लिया आर टू ई की पावर आई थीटा टू। यहाँ पे आर वन है मॉड ऑफ जेड वन, आर टू है मॉड ऑफ जेड टू, थीटा वन है आर्गुमेंट ऑफ जेड वन और थीटा टू जो है वह है आर्गुमेंट ऑफ जेड टू। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जेड वन जेड टू का, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको आप लिखोगे आर वन आर टू ई की पावर आई थीटा वन इंटू ई की पावर आई थीटा टू, क्या है ई की पावर आई थीटा वन प्लस आई थीटा टू, तो जाएगा ई की पावर आई थीटा वन प्लस थीटा टू। अब ये जेड वन इंटू जेड टू वैल्यू ये आ रहा है, तो ये जो है ये आर्गुमेंट होगा किसका? जेड वन इंटू जेड टू का। तो हम लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू क्या होगा? थीटा वन प्लस थीटा टू। अब थीटा वन क्या है हमारा? आर्गुमेंट ऑफ जेड वन है और थीटा टू क्या है हमारा? आर्गुमेंट ऑफ जेड टू है। तो आर्गुमेंट जेड वन इंटू जेड टू कहलाएगा आर्गुमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू। हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 116। प्रूव दैट आर्गुमेंट ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू। हमने जेड वन मान लिया आर वन ई की पावर आई थीटा वन, जेड टू मान लिया आर टू ई की पावर आई थीटा टू। आर वन क्या है? मॉड ऑफ जेड वन है। आर टू क्या है? मॉड ऑफ जेड टू है। और थीटा वन है आर्गुमेंट ऑफ जेड वन, थीटा टू है आर्गुमेंट ऑफ जेड टू। हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे जेड वन अपॉन जेड टू, इन दोनों का भी डिवाइड हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे आर वन अपन आर टू ई की पावर आई थीटा वन और ई की पावर माइनस आई थीटा टू, तो ई की पावर आ जाएगा आई थीटा वन माइनस थीटा टू। तो थीटा वन माइनस थीटा टू कहलाएगा आर्गुमेंट ऑफ जेड वन अपान जेड टू। जेड वन अपान जेड टू का जो आर्गुमेंट है वो क्या कहलाएगा? थीटा वन माइनस थीटा टू। तो थीटा वन क्या है हमारा? आर्गुमेंट ऑफ जेड वन है। थीटा टू क्या है? आर्गुमेंट ऑफ जेड टू है। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड वन अपान जेड टू आएगा आर्गुमेंट जेड वन माइनस आर्गुमेंट जेड टू। तो इसको आप याद रखिए, इसका प्रूफ भी आप याद रखिए, जो भी डाउट आता है हमसे पूछिए। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस हम कराएंगे, पहले इतना पढ़ लीजिए जो जो हमने बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको अच्छे से पढ़िए, दो बार तीन बार आप उसको पढ़िए देखिए, और जो भी डाउट आता है पूछिए। फिर अगले क्लास में हम और बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 117। फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। निम्नलिखित सम्मिश्र संख्याओं के मापांक तथा कोणांक ज्ञात कीजिए। मापांक को इंग्लिश में मॉडुलस और कोणांक को इंग्लिश में आर्गुमेंट कहते हैं। फार्मूला आप याद रखिए, जैसे मान लो जेड एक्स प्लस आई वाई है, तो जेड का जो मॉडुलस है मापांक है ये होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जेड का कोणांक, कोणांक मीन्स आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हमें जेड इक्वल टू आई दिया गया है, इस i को हम लिख सकते हैं 0 प्लस आई इंटू वन। मॉड ऑफ जेड निकालेंगे तो ये आएगा रूट ओवर 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब मॉड ऑफ जेड की वैल्यू 1 आएगा, इसका मॉडुलस 1 आएगा। आर्गुमेंट जेड क्या फार्मूला बताया था? टेन इनवर्स y बाई एक्स, यहाँ y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 0 है, तो 1 बाई 0 टेन इनवर्स इन्फिनिटी, और टेन इनवर्स इन्फिनिटी होता है पाई बाई 2। सेकंड पार्ट आते हैं इसका, जेड का वैल्यू दिया है 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, इसको हम परमेयीकरण कर रहे हैं रेशनलाइजेशन, मतलब ऊपर और नीचे वन माइनस आई का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर आएगा वन माइनस आई का होल स्क्वायर, नीचे आएगा वन का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, ये वन है तो वन का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वन का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस टू आई अपान वन, ये भी आई स्क्वायर माइनस वन होता है तो ये प्लस वन हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा वन माइनस वन ए आई स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा,
और टू और टू कटेगा तो माइनस आई, जीरो माइनस आई, इसको आप लिख सकते हो जीरो प्लस माइनस वन इंटू आई। तो मॉड ऑब्जेक्ट क्या आएगा, अंडर रूट जीरो का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर, मतलब ये अंडर रूट वन मतलब वन, तो मॉड ऑब्जेक्ट के लिए वन आएगा। और आर्गूमेंट जेट क्या होगा, ये होगा टेन इनवर्स माइनस वन बाई जीरो मतलब टेन इनवर्स माइनस बाई टू माइनस पाई बाई टू आएगा। थर्ड क्वेश्चन हम करते हैं, ये हमें दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको रेशनलाइज कर दिए, परिमेयीकरण कर दिए, यहाँ तक हम पहुँच गए। फिर उसके बाद में इस वन प्लस आई का होल स्क्वायर ओपन किए तो यहाँ तक पहुँच गए, तो जेड के वैल्यू आ रहा है वन बाई टू आई, इसको हम लिखेंगे जीरो प्लस वन बाई टू आई। तो मॉड ऑफ जेड क्या होगा, अंडर रूट जीरो का स्क्वायर प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, तो ये वन बाई टू आ जाएगा। और आर्गूमेंट जेड क्या होगा, टेन इनवर्स वन बाई टू अपान जीरो मतलब टेन इनवर्स इन्फिनिटी, ये आ जाएगा पाई बाई टू। इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, ये फोर्थ पार्ट है हमारा, इसमें वन माइनस आई का होल स्क्वायर को ओपन कर दिया, सब सॉल्व किए तो हम देख रहे हैं कि ऊपर भी वन प्लस टू आई आ रहा है, नीचे भी वन प्लस टू आई, कैंसिल होगा वन आएगा, इसको हम लिखेंगे वन प्लस जीरो आई। तो मॉड ऑफ जेड आएगा अंडर रूट वन का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर, वन आ जाएगा। और आर्गूमेंट जेड आएगा टेन इनवर्स जीरो बाई वन, जीरो अपॉन वन, तो हो जाएगा जीरो। इस प्रकार से आपको मॉडुलस और आर्गूमेंट निकालने आना चाहिए। हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 118। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का केंद्रज जिसके शीर्ष जेड वन जेड टू और जेड थ्री है वन बाई थ्री जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री है। प्रूव दैट द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर जेड वन जेड टू एंड जेड थ्री इज वन बाई थ्री जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री। हमें एक ट्राइंगल लेना है और ट्राइंगल का जो वर्टेक्स है वो लेना है जेड वन जेड टू और जेड थ्री। इस प्रकार से एक ट्राइंगल है, ये फर्स्ट वर्ट ए जेड वन है, जेड टू है, जेड थ्री है, और इसका जो सेंट्राइड है ये सेंट्राइड आना चाहिए वन बाई थ्री जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री। सेंट्राइड को हम हिंदी में केंद्रक, केंद्रज, केंद्रक कहते हैं, या इसको आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं, है ना, गुरुत्वीय केंद्र। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमने जेड वन मान लिया एक्स वन प्लस आई वाई वन, इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स वन वाई वन पेयर में। जेड टू है एस टू प्लस आई वाई टू, एस टू वाई टू, और जेड थ्री माना हमने एस थ्री प्लस आई वाई थ्री, एस थ्री वाई थ्री। अब यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल बनाया, त्रिभुज बनाया, इसके ए बी सी तीन वर्टेक्स है, तो पहला का कोऑर्डिनेट क्या होगा एक्स वन वाई वन, दूसरे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट एस टू वाई टू, और तीसरे वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है एस थ्री वाई थ्री। तो हमने लिखा है मान लो त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः एक्स वन वाई वन, एस टू वाई टू तथा एस थ्री वाई थ्री है। लेट एक्स वन वाई वन, एस टू वाई टू एंड एस थ्री वाई थ्री बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तब त्रिभुज ए बी सी के केंद्रक का निर्देशांक, इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा, ये आपका एक्स वन वाई वन है, ये आपका एस टू वाई टू है, ये आपका एस थ्री वाई थ्री है, इसका केंद्रक का निर्देशांक होगा द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्राइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी विल बी क्या होगा, याद रखना एक्स वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री बाई थ्री कामा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री, ये आपको याद रखना है। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्राइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी के केंद्रज का निर्देशांक आपको याद रखना है, ये होगा। अब इन दोनों में वन बाई थ्री कॉमन निकाल देते हैं, तो वन बाई थ्री जब कॉमन निकालेंगे इस फॉर्म में हम लिखेंगे, अब एक्स वन वाई वन को एक पेयर बनाया प्लस एस टू वाई टू दूसरा पेयर बनाया और एस थ्री वाई थ्री तीसरा पेयर, अगर इन तीनों को ऐड करें तो ऊपर वाला मिलेगा, तीनों को अलग अलग कर दिया हमने, ये हमारा जेड वन है, ये हमारा जेड टू है, ये हमारा जेड थ्री है। इस प्रकार से सेंट्राइड का कोऑर्डिनेट आ रहा है वन बाई थ्री जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री। क्वेश्चन नंबर 119 स्टार्ट करते हैं, इफ जेड वन एंड जेड टू आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यदि जेड वन और जेड टू दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, देन प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए कि, ये आपको प्रूव करना है। हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं और हम जाएंगे राइट हैंड साइड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारा मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ कैसे आया, इसको हम लिख रहे हैं जेड वन प्लस जेड टू और जेड वन प्लस जेड टू का होल बार। यहाँ से यहाँ एक फार्मूला आप देखिए, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर होता है जेड इंटू जेड बार, इसको जेड सोच लीजिए
तो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर ये जेड इंटू जेड बार, वैसे इसका वैल्यू ये होगा इसी फार्मूला से, मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू का होल स्क्वायर होगा जेड वन माइनस जेड टू और जेड वन माइनस जेड टू का होल बार। अब ये बार दोनों में लगेगा, यहाँ ये बार ये दोनों में लगेगा। अब इसको ओपन कर दीजिए, जेड वन का मल्टीप्लाई दोनों से होगा, जेड टू का मल्टीप्लाई दोनों से होगा, यहाँ भी जेड वन का मल्टीप्लाई दोनों से होगा और माइनस जेड टू का मल्टीप्लाई ही दोनों से होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो जेड वन बार टू टाइम्स आएगा और जेड टू बार भी टू टाइम्स आएगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर। फार्मूला देखिए, जेड इंटू जेड बार होता है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, टू यहाँ कॉमन निकाल लीजिए तो आ जाएगा टू टाइम्स मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर। ये हमारा राइट हैंड साइड है, तो हमने लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया और कहाँ पहुँच गए, राइट हैंड साइड। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 120। इफ अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यदि अल्फा और बीटा सम्मिश्र संख्याएं हैं, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि आपको प्रूव करना है। तो इसको हम मानेंगे जेड वन और इसको मान लेंगे जेड टू। हमने जेड वन मान लिया अल्फा प्लस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और जेड टू हमने मान लिया अल्फा माइनस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। इस क्वांटिटी को हमने जेड वन एग्जूम किया है और इस क्वांटिटी को हम जेड टू एग्जूम किया है। जेड वन इंटू जेड टू निकाल के देखते हैं क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस इस पूरे का होल स्क्वायर आएगा। यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे रूट के हट जाएगा, अल्फा स्क्वायर भी कट जाएगा, तो इसका आंसर आएगा बीटा स्क्वायर। तो जेड वन इंटू जेड टू का वैल्यू आ रहा है बीटा स्क्वायर। अब यहाँ आप देखिए मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर क्या फार्मूला होगा, मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर प्लस टू मॉड ऑफ जेड वन इंटू जेड टू। अब मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर इसका वैल्यू क्या होगा, अभी थोड़ा पहले हमने आपको बताया, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 119 में मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, ये टू जो इधर आ जाएगा वन बाई टू हो जाएगा और ये पूरा टर्म आएगा, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो वन बाई टू सामने आएगा, ये पूरा वैल्यू आएगा, ये हमने रख दिया ये, और प्लस टू मॉड ऑफ जेड वन जेड टू, ये फार्मूला यूज हुआ है, इसका हम प्रूफ दे चुके हैं। आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ लिखा है जेड वन प्लस जेड टू, जेड वन प्लस जेड टू, जेड वन प्लस जेड टू, जेड वन और जेड टू को प्लस कर दीजिए, जब प्लस करेंगे तो टू अल्फा आएगा। जेड वन माइनस जेड टू, जेड वन माइनस जेड टू कैसे मिलेगा, जेड वन और जेड टू को माइनस करिए, माइनस करेंगे तो टू टाइम्स आएगा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। और यहाँ क्या लिखा है जेड वन इंटू जेड टू, जेड वन इंटू जेड टू का वैल्यू क्या है बीटा स्क्वायर, ये वैल्यू सामने रख दिया। अब यह आ जाएगा फोर मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर, यह आ जाएगा फोर मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, रूट हट जाएगा स्क्वायर लगाए तो, यह आएगा टू मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर, यहाँ से वन बाई टू से मल्टीप्लाई होगा टू आएगा, यहाँ भी टू आएगा, इसको आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा टू मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस टू टाइम्स मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से यहाँ कैसे आया, यहाँ से यहाँ फिर से ये फार्मूला मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। ये फार्मूला आप देखिए, इसका वैल्यू होता है टू मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर। तो इसका वैल्यू यहाँ पे देखो टू मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर, यहाँ अल्फा है यहाँ बीटा है, यहाँ अल्फा है यहाँ बीटा है, तो क्या आएगा मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये तो हमने इसी फार्मूला का यूज़ किया है, ये जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ इसी का हमने यूज़ किया है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ। अब इसको आप क्या लिखोगे, ये पूरा क्या होगा मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा पूरे का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाएगा मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला है। अब दोनों बहुत साइड से स्क्वायर को हटा दीजिए, स्क्वायर को हटा देंगे तो क्या आएगा मॉड ऑफ जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड टू, क्या आएगा मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। जेड वन की वैल्यू रख दीजिए, जेड टू की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो जाएगा। हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। दर्शाइए कि त्रिभुज जिनके शीर्ष जेड वन जेड टू जेड थ्री तथा जेड वन डे जेड टू डे जेड थ्री डे हैं समबाहु है, यदि समबाहु मतलब तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो यदि ये हमें प्रूफ करना है, या ये हम लेके चलेंगे और त्रिभुज को समबाहु प्रूफ करेंगे।
so that the triangle whose vertices are z1, z2, z3 and z1 dash, z2 dash, z3 dash are equilateral. If ये condition दिया है, इस condition को हम मान के चलेंगे और हम त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज बताएंगे, equilateral triangle बताएंगे. तो हमने एक त्रिभुज बनाया, नाम दिया ABC. इसका जो वर्टेक्स है z1, z2, z3 है और z1 dash, z2 dash, z3 dash. दो प्रकार के इसके coordinates दिए गए हैं. तो ये condition हमें दिया गया है. इस condition है first और second जो terms है हमने ले लिया, पहला दूसरा दो पद ले लिए हमने. अब डेस वाला जो टर्म है उसको नीचे ले आया, यहाँ भी डेस वाला टर्म को नीचे ले आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. यहाँ से हमने क्या किया, ऊपर ऊपर को प्लस किया तो नीचे नीचे वाला भी प्लस होगा, मतलब z1 माइनस z2 प्लस z2 माइनस z3, तो नीचे वाला क्या आएगा, z2 डेस माइनस z3 डेस प्लस z1 माइनस z1 डेस माइनस z2 डेस. ये कैसे हुआ आप लोग याद करो, छोटी क्लास में हमने ऐसे पढ़े होंगे, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, ये इक्वल होता है ए प्लस सी अपान बी प्लस डी. तो यही फार्मूला हमने यूज किया है, क्या किया हमने, ऊपर ऊपर को प्लस कर दिया तो नीचे नीचे को ही प्लस करना. अब यहाँ पे क्या होगा, z2 और z2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस में है प्लस में है, यहाँ पर देखिए z2 डेस और z2 डेस कैंसिल हो जाएगा, तो इसका फर्स्ट टर्म ये आएगा और ये वाला जो टर्म है क्या आएगा, आप देखिए z1 माइनस z3 आएगा और z1 डेस माइनस z3 डेस आएगा, इस टाइप का आ जाएगा, इस टाइप का आपको मिलेगा. तो कौन कौन सा टर्म मैंने लिया एक बार और दिखा देता हूँ, इसका फर्स्ट टर्म को मैंने लिखा है और इसको मैंने सॉल्व कर लिया है, तो यहाँ से z2 और z2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर z2 डेस और z2 डेस कैंसिल होगा, तो ऊपर आएगा z1 माइनस z3, नीचे आएगा z1 डेस माइनस z3 डेस. अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें दिया गया है इसका लास्ट टू टर्म ले लेते हैं, मतलब ये सेकंड और थर्ड टर्म ले लेते हैं, ये हमने ले लिया. इसी को हमने ऐसे लिखा, कैसे लिखा, चेंज किया, देखो z3 माइनस z1 है, हमने z1 माइनस z3 लिख दिया, इसको भी हमने z1 डेस माइनस z3 डेस लिखा, मतलब यहाँ से माइनस का मन लिया, यहाँ से भी माइनस का मन लिया, इस प्रकार से लिया इक्वेशन टू. अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करने से फ़ायदा ये होगा कि ये डेस वाला टर्म दोनों में कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई कीजिए, राइट को राइट से, तो ये डेस वाला जो टर्म है वो पूरा कैंसिल हो जाएगा. तो हमें जो मिलेगा इसमें z1 डेस, z2 डेस, z3 डेस नहीं रहेगा. तो एक बार बता रहा हूँ, इक्वेशन नंबर वन और टू को मल्टीप्लाई करने से क्या बेनिफिट होगा हमें, कि ये डेस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा. तो लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करना, राइट को राइट से, तो ये आ जाएगा. अब इसका यानी क्या करोगे आप, z1 अपान z3 नीचे आ गया, यहाँ z2 अपान z3 नीचे आ गया, इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, बोथ साइड आर्गुमेंट ऑपरेट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा एंगल ए. ये एंगल ए का फार्मूला है, ये एंगल सी का फार्मूला है, तो एंगल ए और एंगल सी इक्वल आ रहा है, कोण ए और कोण सी बराबर आ रहा है. सिमिलरली वी कैन शो दैट, इसी प्रकार हम दर्शा सकते हैं कि एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल है, मतलब एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों इक्वल है, hence triangle ABC is equilateral, अतः त्रिभुज ABC समबाहु है. हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 122. यदि z1 z2 z3 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, शीर्ष z2 एक समकोण है, सिद्ध कीजिए कि, ये आपको प्रूफ करना है. इफ z1 z2 z3 आर वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल द राइट एंगल एट वर्टेक्स z2 देन शो दैट. क्या क्या दिया गया इसमें, यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल के बारे में बात किया गया है, और कौन सा ट्रायंगल है वो, समद्विबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो ये देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने बता दिया, और क्या बोलता है, शीर्ष z2 पर समकोण है, द राइट एंगल एट वर्टेक्स z2 पर 90 डिग्री का एंगल है, और ये हमें प्रूफ करना है. हमने मान लिया लेट ट्राइंगल ए बी सी बी आइसोसेलेस ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर z1 z2 z3 एंड लेट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी. ए बी और बी सी इक्वल है क्योंकि हमारा जो ट्रायंगल है क्या है, समद्विबाहु है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है. चलिए तो हमने मान लिया एंगल बी क्या होता है, फार्मूला बताया था आर्गूमेंट z2 माइनस z3 अपान z2 माइनस z1, ये 90 डिग्री है. मैंने आपको क्या कहा था, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट अगर 90 डिग्री आता है, पाई बाई टू आता है, तो उसका रियल पार्ट क्या होगा, जीरो होगा. तो इसका जो रियल पार्ट है वो जीरो आएगा.
इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इक्वल टू 0 ही आएगा, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब एक फार्मूला आप देखिए, 2 रियल पार्ट ऑफ जेड होता है जेड प्लस जेड बार, इसको जेड है सोचो पूरे को, तो इतना प्लस इसका बार आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस राइट साइड भेजेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये बार सब में लगेगा। अब हमने क्या किया, बार वाला जो टर्म है उसको नीचे ले आया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जो बार वाला टर्म नीचे आया और ये ऊपर, मतलब इसको इधर ले आया इसको इधर ले आया, इस प्रकार से इसको हमने प्लट के लिख दिया, जेड वन माइनस जेड टू और जेड वन बार माइनस जेड टू बार, इसको इधर लिख दिया इसको इधर लिख दिया, ठीक है, इसको इधर लिख दिया इसको इधर, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए एक बात और, यहाँ पे हमने बताया है आपको स्पष्ट रूप से कि ए बी और बी सी इक्वल है, ए बी और बी सी इक्वल है, उसका भी हम यूज करेंगे। तो हमने लिखा है वी नो दैट, हम जानते हैं कि ए बी का फार्मूला होता है मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू और बी सी का फार्मूला होता है मॉड ऑफ जेड टू माइनस जेड थ्री, ए बी और बी सी इक्वल दिया, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएगा। याद रखना ए बी और बी सी का जो फार्मूला हमने बताया है वो साइड स्क्वायर कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर होता है जेड इंटू जेड बार, ये हो जाएगा जेड वन माइनस जेड टू और जेड वन माइनस जेड टू का होल बार, ये हो जाएगा जेड टू माइनस जेड थ्री, जेड टू माइनस जेड थ्री का होल बार, ये बार दोनों में लगेगा, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से क्या फ़ायदा होगा, देखिए इक्वेशन 1 आपको दिख रहा है, ये हमने इक्वेशन 1 आपके सामने रखा है और ये इक्वेशन नंबर 2 भी आपके सामने है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो बार वाला टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे राइट को राइट से, तो ये बार वाला टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें ये मिलेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमें प्रूफ करना है वो प्रूफ हो जाएगा। हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 123। प्रूफ दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर जेड वन जेड टू जेड थ्री इज, ये बताना है हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल। ऑल्सो सो दैट द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल इफ, ये भी हमें प्रूव करना है, अगर आइसोलेस यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल लेके चलते हैं तो। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष जेड वन जेड टू जेड थ्री हैं ये है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आना चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये आना चाहिए, लाएंगे अपन। यह भी दर्शाइए कि त्रिभुज समबाहु है यदि, अगर हम समबाहु त्रिभुज लेके चले तो ये भी प्रूफ होना चाहिए, अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल लेके चलें तो ये भी प्रूफ होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं, हमने एक ट्रायंगल बनाया, नाम दिया ए बी सी, इसका वर्टेक्स है जेड वन जेड टू और जेड थ्री। जेड वन हमने मान लिया एक्स वन प्लस आई वाई वन, जेड टू माना एस टू प्लस आई वाई टू और जेड थ्री हमने मान लिया एस थ्री प्लस आई वाई थ्री। अब एरिया का फार्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूला याद रखना है आपको, ये फार्मूला किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये हम पढ़ चुके हैं छोटी क्लास में, है ना, इलेवंथ या टेंथ क्लास में रहा होगा ये फार्मूला, तो याद रखिए ये फार्मूला। ये क्या फार्मूला है, एरिया निकालने का है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब यहाँ पर आई का मल्टीप्लाई कर दिए सेकंड कॉलम में, तो आई का डिवाइड भी किए, आई का डिवाइड आई का मल्टीप्लाई किए, एक ऑपरेशन यूज कर रहे हैं सी टू में, सेकंड कॉलम में सी वन प्लस सी टू, मतलब सी वन और सी टू को प्लस कर रहे हैं इन कॉलम सी टू, तो ये आ जाएगा। इसको हम बोलेंगे जेड वन, इसको हम जेड टू, इसको जेड थ्री। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो चीज़ कॉलम में लिखा है उसको रो में लिख सकते हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट में कॉलम को अगर रो में चेंज करें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हमने ऐसे लिख दिया। क्या चेंज किया हमने, जो कॉलम में है उसको रो में लिख दिया, कॉलम को रो में इंटरचेंज किया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स वन के साथ आएगा जेड टू माइनस जेड थ्री, माइनस एक्स टू के साथ आएगा जेड वन माइनस जेड थ्री, एक्स थ्री के साथ आएगा जेड वन माइनस जेड टू, अगर ये माइनस साइन को प्लस करोगे तो पलट जाएगा। इसको सिग्मा हम लिख सकते हो, सिग्मा एक्स वन और जेड टू माइनस जेड थ्री। अब एक्स वन वैल्यू क्या होगा, जेड वन हमने बोला था एक्स वन प्लस आई वाई वन, तो जेड वन बार होगा एक्स वन माइनस आई वाई वन, तो जेड वन प्लस जेड वन बार आएगा टू एक्स वन, तो एक्स वन वैल्यू आएगा जेड वन प्लस जेड वन बार अपॉन टू, एक्स वन वैल्यू रख दिया, तो यहाँ पे वन बाई टू आई है, यहाँ पर टू है तो वन बाई फोर आई, ये टू बाहर हो गया। अब ये जेड वन का मल्टीप्लाई से होगा, जेड वन बार का भी मल्टीप्लाई से होगा, सिग्मा दोनों में ऑपरेट हो जाएगा, दोनों में ऑपरेट कर लिए। अब इसका वैल्यू जीरो होगा, इसका वैल्यू जो है जीरो होगा, शून्य हो जाएगा। कैसे होगा देखो आपको बताते हैं, ये आप देखिए ये वाला टर्म है, इसका सिग्मा जो ओपन करेंगे तो पहला टर्म आएगा जेड वन
Z2 minus Z3 plus Z2 Z3 minus Z1 plus Z3 Z1 minus Z2. जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो Z1 Z2 कैंसिल हो जाएगा माइनस Z1 Z2 से, Z1 Z3 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा 0। तो फर्स्ट टर्म 0 आ जाएगा, ये वाला टर्म मिलेगा, मतलब हमें मिलेगा सिग्मा Z2 माइनस Z3 Z1 बार अपॉन 4i। अब ऊपर नीचे Z1 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, ये फार्मूला बन जाएगा मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर अपॉन आ जाएगा 4i Z1, हमें यही प्रूफ करना था। तो इस प्रकार से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया जो हमें प्रूफ करना था। अब हम त्रिभुज ABC को समबाहु त्रिभुज मान के चलते हैं। द ट्रायंगल ABC विल बी इक्विलेटरल। इक्विलेटरल कब होगा? जब AB बराबर BC बराबर CA, अगर ये तीनों इक्वल हो तभी इक्विलेटरल होगा। तो AB का फार्मूला क्या है? मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। BC का मॉड ऑफ Z2 माइनस Z3। CA का मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1 स्क्वेयर कर दीजिए। इसका फार्मूला होगा Z1 माइनस Z2 और Z1 माइनस Z2 का होल बार। ये क्या होगा? Z2 माइनस Z3, Z2 माइनस Z3 का होल बार। ये वाला क्या होगा? Z3 माइनस Z1 और Z3 माइनस Z1 का होल बार। सब में बार लग जाएगा इस प्रकार से। इसके फर्स्ट और सेकंड रेशियो को पहले लीजिए, पहला और दूसरा, ये आ जाएगा। बार वाले को नीचे ले आइए, ये लाइन आएगा, इसको ले आइए, इसको इधर ले आइए। अब हम क्या करोगे? ऊपर को प्लस करेंगे तो नीचे वाला भी प्लस होगा। थोड़ा सा पहले मैंने बताया था, जैसे A/B = C/D है, = क्या आएगा? A+C/B+D आ जाएगा। तो ऊपर को प्लस करेंगे तो नीचे प्लस आ जाएगा ये। तो इसका फर्स्ट टर्म को लिख दिया और लास्ट को लिख दिया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, Z3 - Z1 / Z3 - Z1 / इक्वेशन नंबर 2 आया। अब इक्वेशन नंबर 1 से लास्ट 2 टर्म देखिए, मतलब ये दोनों रेशियो को ले लीजिए, दोनों पहले इन दोनों को लिए थे, अब इन दोनों को ले रहे हैं। इन दोनों रेशियो को हम लेंगे तो ये लाइन आएगा। अब मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 2 और 3 को। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? ये जो बार वाला टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, बार वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला टर्म मिलेगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो प्रूफ करना है वो मिल जाएगा। क्वेश्चन हम करते हैं, सिद्ध कीजिए कि मॉड ऑफ Z-1/Z+1 = अचर तथा एम्पलीट्यूड Z-1/Z+1 = अचर लंब कोणीय वृत्त हैं। प्रूफ दैट मॉड ऑफ Z-1/Z+1 = constant एंड एम्पलीट्यूड Z-1/Z+1 = constant आर ऑर्थोगोनल सर्किल्स। तो हमें ये दिया गया है, मॉड ऑफ Z-1/Z+1 कांस्टेंट दिया है, इसको हमने लेमडा मान लिया। तो मॉड ऑफ Z-1/Z+1 = λ है, जेड के वैल्यू रख दिया x + iy, तो आ जाएगा x - 1 + iy, नीचे आएगा x + 1 + iy। तो मॉड का फार्मूला यूज करेंगे तो आएगा अंडर रूट x - 1 2 + y2, नीचे आएगा अंडर रूट x + 1 2 + y2। अब बहुत सारे स्क्वायर करेंगे तो रूट हट गया। x - 1 2 ओपन कर दिए, x + 1 2 भी ओपन किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, उसके बाद ये सबको एक साइड भेज देंगे, सबको राइट साइड हमने भेज दिया। तो इस प्रकार से आएगा, यहाँ से λ² - 1 x² आएगा, यहाँ से λ² - 1 y² आएगा, यहाँ से आप देखिए 2x कॉमन है, यहाँ भी 2x कॉमन है, तो 2λ² + 1x आएगा और λ² - 1 आएगा। λ² - 1 से डिवाइड करें तो ये लाइन आएगा। अब मैंने आपको बताया था कंडीशन ऑर्थोगोनल सर्किल के लिए, एक कंडीशन बताया था, ये वाला कंडीशन आपको बताया था। इसमें ये फर्स्ट सर्किल है, सेकंड सर्किल है। तो जो फर्स्ट सर्किल है यहाँ पर 2g1x रहता है +2f1y रहता है +c1, तो ये जो आंसर है इसको आप देखिए, तो इसको आप देखोगे तो आपको लगेगा कि g1 के वैल्यू आएगा λ² + 1 λ² - 1, f1 यहाँ y नहीं है तो f1 के वैल्यू 0 है और c1 के वैल्यू आएगा 1। अब सेकंड हमें क्या दिया गया है? एम्पलीट्यूड Z-1/Z+1 = constant। तो इसको हमने म्यू नाम दे दिया, जेड के लिए x + iy रखा, यहाँ भी x + iy रखा, यह आएगा x - 1 + iy, x + 1 + iy। अब यहाँ से यहाँ एक फार्मूला है, एम्पलीट्यूड Z1/Z2 होता है एम्पलीट्यूड Z1 - एम्पलीट्यूड Z2। इस फार्मूला का यूज किए, ये फार्मूला आप याद रखिए। अब ये फार्मूला के यहाँ कैसे आया? एम्पलीट्यूड x + iy का फार्मूला होता है tan inverse y/x, तो यहाँ आएगा tan inverse y/x - 1,
यहाँ आएगा टेन इनवर्स वाई अपान एक्स प्लस वाई। अब टेन इनवर्स का फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपान वन प्लस एक्स वाई। वो फार्मूला यूज कर लिए, इसको सिंप्लीफाई किए तो ये लाइन आया। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, इसको प्लट दीजिए तो टेन यू का काट यू हो जाएगा, सबको एक साइड ले आइए। अब यहाँ ये यह हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ सर्किल है, तो ये सेकंड इक्वेशन से आप कंपेयर कीजिए। तो सेकंड इक्वेशन ये है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी टू एक्स प्लस टू एफ टू वाई प्लस सी टू इजिकल टू जीरो। तो यहाँ से आप देखिए यहाँ पर एक्स नहीं है तो जी टू के लिए जीरो आएगा, एफ टू के लिए आएगा माइनस काट म्यू और सी टू के लिए आएगा माइनस वन। तो टू जे टू जी वन जी टू प्लस टू एफ वन एफ टू, आप देख रहे हो जी वन की वैल्यू आया था लेकिन जी टू जीरो आया था तो जीरो हो जाएगा। एफ वन की वैल्यू जीरो था, एफ टू की वैल्यू हमें ये मिल रहा है लेकिन एफ वन जीरो है ये भी जीरो होगा तो इसका वैल्यू हमें जीरो मिलेगा। वैसे सी वन की वैल्यू वन आया था, सी टू की वैल्यू माइनस वन है तो सी वन प्लस सी टू करेंगे तो भी जीरो आएगा। तो हम देख रहे हैं टू जी वन जी टू प्लस टू एफ वन एफ टू इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू, इसका वैल्यू भी जीरो है और इसका वैल्यू भी जीरो है तो ये और ये इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं क्लियरली गिवन सर्किल्स आर ऑर्थोगोनल, स्पष्ट है कि दिए गए वृत्त लंब कोणीय वृत्त हैं। हम पढ़ रहे हैं कौशी असमिका, कौशीस इनइक्वालिटी। फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर ए आई बी आई आई इज इक्वल टू वन टू थ्री एंड सो ऑन एन, मॉड ऑफ सिग्मा आई इज इक्वल टू वन टू एन ए आई बी आई का होल स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू वन टू एन मॉड ऑफ ए आई स्क्वायर इन टू सिग्मा आई इक्वल टू वन टू एन मॉड ऑफ बी आई स्क्वायर, किन्हीं भी सीमित संख्याओं ए आई बी आई के लिए, ये हमें प्रूव करना है। हमने मान लिया, मान लो कि लेमडा एक स्वच्छ सम्मिश्र संख्या है, लेट लेमडा बी एन आर्बिट्री कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पर देखिए ए आई माइनस लेमडा बार बी आई का होल स्क्वायर, इसको याद रखना है, इसका वैल्यू हमें निकालना है और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है और जो क्वांटिटी पॉजिटिव होता है धनात्मक होता है उसको हम ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो लिखते हैं। तो ये क्वांटिटी जो है यह ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर लगा हुआ है। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, वही फार्मूला यूज किया, ए आई का स्क्वायर प्लस लेमडा बार का स्क्वायर बी आई स्क्वायर माइनस टू लेमडा बार ए आई बी आई, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। अब यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर यह इक्वल होता है एक्स स्क्वायर के, तो ए आई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ ए आई का स्क्वायर, लेमडा बार का स्क्वायर को क्या लिखोगे, मॉड ऑफ लेमडा बार का स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे, मॉड ऑफ बी आई का स्क्वायर, इस प्रकार से आएगा। सभी में सिग्मा ऑपरेट कर दिए, सिग्मा करें जो आई इज इक्वल टू वन से एन, यहाँ भी सिग्मा ऑपरेट किए, यहाँ भी सिग्मा ऑपरेट किए, यहाँ भी सिग्मा ऑपरेट किए, जहाँ जहाँ आई है सब में सिग्मा ऑपरेट किए, आई का रेंज लिए वन से एन। अब लेमडा इज इक्वल टू ये आपको लेना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद करके जाना है, लेमडा के प्लेस में क्या लेना है, क्या याद रखोगे, लेमडा इज इक्वल टू लेना है सिग्मा आई इज इक्वल टू वन टू एन ए आई बी आई अपान सिग्मा आई इज इक्वल टू वन टू एन मॉड ऑफ बी आई का स्क्वायर, जहाँ जहाँ लेमडा वहाँ रख दीजिए क्वांटिटी, तो ये लाइन आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए ये तो सेम है, यहाँ से हम बताते हैं, नीचे देखो ऑलरेडी होल स्क्वायर है, अब मॉड भी लगा हुआ है स्क्वायर, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो यहाँ मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ का मॉड हट जाएगा नीचे वाले का, तो क्या लिखोगे, सिग्मा आई इक्वल टू वन टू एन मॉड ऑफ बी आई का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर वाले मॉड लगेगा तो मॉड सिग्मा आई इक्वल टू वन टू एन ए आई बी आई का स्क्वायर, फिर एटम है यहाँ माइनस है टू, यहाँ पर देखो जेड बार इंटू जेड होता है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, इसको जेड सोच लो, ये जेड है तो ये जेड का बार है, नीचे में बार नहीं लगेगा क्योंकि नीचे में मार लगा हुआ है स्क्वायर है पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ऊपर वाले में बार लगेगा, तो ऊपर वाले जब बार लगाएंगे तो जेड इंटू जेड, जेड बार इंटू जेड क्या होता है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, ये जेड है ये जेड का बार है, तो क्या आ जाएगा मॉड ऑफ सिग्मा आई इक्वल टू वन टू एन ए आई बी आई का होल स्क्वायर, अब पान में ये आएगा। अब ये और ये कैंसिल होगा, ये वन पावर में टू पावर में है कैंसिल होगा ये आ जाएगा, ये और ये भी कैंसिल होगा, यहाँ पे माइनस टू है यहाँ प्लस वन है, ये और ये टर्म सेम है देखो यहाँ माइनस टू है सामने, ये आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लाइन आ जाएगा, ये इसको इधर ले आए पहले, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस के इधर प्लस हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लाइन आएगा, फिर इसको आप इधर लिख दीजिए इसको इधर लिख दीजिए, मतलब इसको लेफ्ट में इसको राइट में, तो जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो जाएगा।